hello friends welcome to truptis biology today's topic is about the classification of bryophytes from the chapter plant kingdom we have already discussed about the classification of plant kingdoms and, about, and details about the classification of algae okay second group is our bryophytes में क्या कैसे इंक्लूड रहता है की के बारे में जो दो ग्रुप है वो है मोसेस एंड लीवर वो ये लोग मोएस्ट एरिया में ही एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं ठीक है उस एरिया में ये ग्रो करते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्लांट किंगडम इनको एम्फेन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है क्यों क्योंकि इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है दैट्स वाई ब्रायोफाइड्स आर कॉल्ड एम्फीवियन ऑफ प्लांट किंगडम ओके ये जनरली डैम्प ह्यूमिड सेगरेड लोकेलिटीज में रहते हैं तो इनका जो मेन रोल है ये है सॉक्सेशन में हेल्प करते हैं क्यों क्योंकि ये जो रॉक है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं ठीक है और उसी डिकम्पोज से जो भी सॉइल बनता है वो फर्टाइल रहता है कि प्लांट की ग्रो के लिए इसीलिए इनका जो इम्पोर्टेंस है वो सॉक्सेशन में इकोलॉजिकल सॉक्सेशन में इनका इम्पोर्टेंस है ठीक है नेक्स्ट थिंग इज इनकी जो प्लांट बॉडी हम हमें पहले भी ये जाने हैं कि थालस बोला जाता है ऑनडिफरेंटेड प्लांट बॉडी को जो कि आलजी में पाया जाता है लेकिन ब्रायोफाइट्स में इनकी बॉडी थोड़ा सा डिफेरेंटेड है एज कंपेयर टू आलजी यहाँ पे कोई रूट स्टेम सिस्टम नहीं रहता ठीक है बट इनकी जो थालस रहता है वो इरेक्ट रहता है सॉफ्ट से अटैच होके रहता है ठीक है इनकी राइजॉय है ठीक है जो ये लोग यूनिसेलुलर और मल्टीशेलुलर भी है ठीक है यहाँ पे ट्रू रूट ट्रू स्टेन ट्रू लिप्स ऐसा कुछ नहीं है ठीक है पे सिर्फ रूट लाइक स्ट्रक्चर लीप लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है बट जैसे आलजी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था वो एकदम से अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी था बट ब्रायोफाइड जो है वो स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होते हैं एस कंपेयर टू आलजी ओके यहाँ पे जो ट्रू रूट नहीं रहता लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है ठीक है इनकी जो प्लांट बॉडी है ये हाप्लॉयड है ब्रायोफाइट्स की आलजी की भी हाप्लॉयड्स हैं ठीक है यहाँ पे जो गैमेट प्रोड्यूस होता है वो भी हाप्लॉयड ही रहेगा ठीक है तो इनको गैमेटोफाइट बोला जाता है ठीक है इनकी जो बॉडी है वो हाप्लॉयड है ये गैमेट प्रोड्यूस करते गैमेटोफाइट ओके सेक्स ऑर्गन इनकी मल्टी सेलुलर है ठीक है मेल सेक्स ऑर्गेन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं ओके फीमेल सेक्स ऑर्गेन को आर्किगोनियम बोलते हैं तो एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा ठीक है जो कि है मीन दो फ्लैजेला रहेगा ठीक है ये मेल सेक्स ऑर्गेन जो है एंथ्रीडियम से बनता है एंथ्रेजॉइट फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम है वो फ्लैक्स सेट का रहता है और वो सिंगल एग ही प्रोड्यूस करेगा ठीक है हम पहले ही मतलब डिस्कस uh, किए थे कि दीज आर द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स बिकॉज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर ओके तो यहाँ पे वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है यहाँ पे जो एंथ्रेजॉइड्स है वो वाटर मीडियम में रिलीज होता है जब वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं तब एंथ्रेजॉइड्स जो हैं, वो फ्यूज होते हैं एक के साथ और जाइकोड प्रोड्यूस होता है ठीक है यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि जाइगोट इमीडिएटली वहां पे रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता वहां पे म्यूसिस नहीं होता जो नॉर्मल प्रोसेस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा स्पोरोफाइट बनेगा ठीक है तो जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लोइड होता है गैमेटोफाइट जो है वो हाफ्लोइड होता है ठीक है तो यहां पे स्पोरोफाइट से स्पोर बनता है थ्रू मिओसिस प्रोसेस एंड गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है थ्रू माइटोसिस ओके ये हो गया मियोस रिडक्शनल डिविजन एंड माइटोसिस जोर इक्वेशनल डिविजन इट मीन इन मियोसिस क्रोमोजोम नंबर गेट रिड्यूस्ड बट इन माइटोसिस क्रोमोजोम नंबर विल बी सेम ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है प्रोड्यूस हो गया। ओके, तो जाइकोट में रिडक्शनल डिविजन नहीं होगा ठीक है वो कुछ समय तक ऐसे ही रहेगा ठीक है तो वो एक सेलुलर बॉडी बना लेगा उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट ये जो स्पोरोफाइट बना ये फ्री लिविंग नहीं है ठीक है ये आटास रहता है हमारी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर और ये पूरा डिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट के ऊपर क्योंकि वहीं से ही वो न्यूरिसमेंट जो है इसको मिलता है ठीक है तो कुछ समय बाद से हमारी हाप्लोइड स्पोर फॉर्मेशन होता है तो हाप्लोइड फॉर्म जब प्रोड्यूस हो गया अगेन ये स्पोर जब जर्मिनेट होगा हाप्लोइड प्लांट बॉडी ही फॉर्म करेगा ठीक है तो ब्रायोफाइट में जो है उनकी बॉडी हाप्लॉयड ही रहता है इस इमेज से हम बहुत ही क्लियर हो जाएंगे पूरा चीज ये यह देखो यहाँ पे जैसे कि हमने ये ओवरऑल ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल है ठीक ब्रायोफाइट की जो हर ग्रुप है जैसे कि आ, हो गया हमारा लिवर वर्ड मोसेस ये दोनों में सेम ही रहेगा ये प्रोसेस तो ये प्रोसेस को समझने की कोशिश करो ठीक है तो यहाँ पे पहले क्या होता क्या है जो आपकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम बोलेंगे तो वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारी आंथ्रीडियम जहां से आपकी अग, अगर इस इमेज को इनके जो पूरा लाइफ साइकिल को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ना देखो ये हो गया सपोज फीमेल प्लांट बॉडी ओके और ये हो गया मेल प्लांट बॉडी ठीक है तो यहाँ पे हम जो पढ़े कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम बोलते हैं यहाँ पे मार्क कीजिए फाइट कलर ये सपोज हो गया हमारी आर्किगोनियम आर्किगोनियम गोनियम में क्या प्रोड्यूस होता है एक प्रोड्यूस होता है ठीक है और ये है मेल मेल में क्या प्रोड्यूस होगा आंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होगा ठीक है तो ये है मेल गैमेट्स ओके ये इनको वाटर मीडियम चाहिए अपनी फॉर्टिलाइजेशन के लिए तो ये वाटर करंट के थ्रू फ्लो होके आ गया यहाँ पे आरके के कांटेक्ट में आ गया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अंदर जाएगा एक को फर्टिलाइज करेगा जब एक फर्टिलाइज हो जाता है इस ये क्या बन जाता है जाइगोड बन जाता है ठीक है तो यहाँ पे हमने एक चीज ये पढ़े कि जायगोड सडनली रिडक्शनल डिवीजन में एंटर नहीं करता जब जाइगोड बनता है वो थोड़ी देर तक वैसे ही रहता है और वहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता है मल्टीप्लीकेशन होके वहां पे एक मल्टीशेलुलर बॉडी बना लेता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं ये टोटल स्ट्रक्चर जो है इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं ठीक है ये स्पोरोफाइट बन गया तो अब आप... स्पोरोफाइट में स्पोर कैसे बनेगा यहाँ पे बॉडी तो ये, ये है, ये इस के पूरा है क्यों? क्योंकि इसको नोरिसमेंट तो मिलेगा न्यूट्रिएंट मिलेगा ठीक है सो इसीलिए जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है ये हमेशा गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है और यहीं से अपनी जो न्यूट्रिएंट डिराइव करता है ठीक है तो यहाँ पे अब क्या होगा ये जैसे एक मोल्टीसेलुलर बॉडी बन जाएगा जिसको हम स्पोरोड बोलते हैं उसके बाद यहाँ पे मियोसिस होगा ठीक है अगर हम लिए जो प्रायोफाइड की डिफरेंट कैटेगरी कैटेगोरीज लिवरवर्ट और मोसिस मोसिस में हम इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि लिवरवर्ट में नहीं पढ़ेंगे ये जो स्पोरोफाइड बन जाता है ये डिफरेंशिएट हो जाता है फूड एंड कैप्सूल को ये अगेन हम लिवरवर्ट के लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे अब जैसे स्पोरोफाइट बन गया तो यहीं पे अब मियोसिस होगा मीन्स रिडॉक्सनल डिवीजन और रिडॉक्सनल डिवीजन होगा स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट पे पे तो तो क्या बनेगा स्पोरोफाइट है, तो बनेगा है स्पोर 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 ही फॉर्मेशन करेगा अब जो वो नंबर का हो गया ओके अगेन ये जो स्पोर बन गया ये जब जॉर्मिनेट होगा अगेन वही गैमेटोफाइट ही बनेगा ठीक तो है तो ये है कॉन्सेप्ट ब्रायोफाइट का जो रिप्रोडक्शन का अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे ठीक है इन जनरल इनकी कोई उतनी इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है बट ये जैसे कि हार्वेस मामल्स हो गए बर्ड्स हो गए और कुछ भी अदर एनिमल्स हो गए ये लोग उसको फूड के हिसाब से यूज करते हैं ठीक है थीके? और एक एग्जाम्पल है spagnum, उसको याद रखना ठीक है ये एक तरह की मॉस है जो कि इसको हम फुएल के तरह यूज करते हैं ठीक है थीके? फुएल के साथ साथ इसको ट्रांसिटमेंट में भी यूज किया जाता है जिसकी पैकेजिंग करना कुछ मटेरियल का क्योंकि इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई है ठीक है नेक्स्ट ये जो मॉसेस हैं ये जो हम पहले ही डिस्कस किए थे कि सॉक्सेशन इकोलॉजिकल सॉक्सेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि रॉक को डिकम्पोज करते हैं और उसमें जो सॉयल बनता है वो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है ठीक है ये, आ, हायर प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है नेक्स्ट हो गया कि ये आ, जो मॉसेस हैं, ये मेट टाइप का फैल जाते हैं सॉयल के ऊपर जिसके वजह से रेन जो होता है रेन वाटर से सॉयल इरोज़न होता है लेकिन इनके वजह से वो सॉयल इरोज़न नहीं हो पाता मीन्स ये सॉइल इरोज़न को प्रिवेंट करते हैं ठीक है क्या? इसके जो कैटेगरी हमने पढ़े थे कि लीवर वर्ट एंड मोस्ट तो लीवर वर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं ये आ, सारे वही मॉयल सैडी हैबिटेट में ही ग्रो करेंगे ठीक है डैप फॉइल में ट्री के बाक में ऊड में ऐसे जगह में ये ग्रो कर जाते हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये मोर्चेंटिया ठीक है ये मोर्चेंटिया की फीमेल प्लांट बॉडी है ये मोर्चेंटिया की मेल प्लांट बॉडी की इमेज है ठीक है इनकी जो बॉडी है ये है डोरसीवेंटल मींस अः डोरसल और वेंट्रल पार्ट जैसे अगर हम समझेंगे तो डोर्सल बैक साइड होता है वेंट्रल एब्डोमिनल साइड होता है तो यहाँ पे क्या होता है इनकी जो बॉडी दोनों साइड वो इक्वल नहीं रहता ठीक है उनमें थोड़े डिफरेंसेस रहता है इस, इसको डोरसी वेंट्रल बोला जाता है ठीक है इनकी जो मतलब लिफ लाइक अपेंडेजेस रहता है ओके अ वो एक्सपेम में रो टाइप का रहेगा नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे ठीक है तो इसका एक अदर uh, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लीजिए मर्चेंटिया की ये देखिए ये हमारी लिवरवर्ट मर्चेंटिया ओके कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इनके रिप्रोडक्शन इनकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ठीक है uh, और यहाँ पे उनकी रिप्रोडक्शन uh, फैक्ट थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है ऑफ प्लांट बॉडीज, तो यहाँ पे वो बॉडीज कोई भी कट जाता है तो उनमें से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे एक देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे ग्रीन कलर के छोटे छोटे Structure है। गेमा हैं इनको हम मल्टी सेल्युलर एसेक्सुअल वर्ड है अगर पूछा जाए कि व्हाट इज गेमा तो डोंट फॉरगेट टू राइट एसेक्सुअल वर्ड ओके दिस इज की वर्ड ओके फॉर दिस क्वेश्चन ओके एसेक्सुअल वर्ड जो कि ये अगेन जब जर्मिनेट होगा पूरा प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा ठीक है तो ये जो गेमा किसके अंदर रहता है गेमा कॉप के अंदर ही रहता है गेमा कहां पे रहता है थाली के ऊपर रहता है थाली प्लांट बॉडी सिंगुलर ओके उसके ऊपर रहता है जब ये गेमा और गेमा कप इस प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो ये एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा ठीक है हो गया ये नेक्स्ट इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा वही मैंने पहले ही ये स्लाइड को समझने के लिए बोली थी ये इमेज को यहाँ पे वही एंथ्रीडिया आर्कीगोनिया वही सारा चीज रहेगा ठीक है और वही सेम चीज होगा कि पहले जो प्लांट मतलब एंथ्रोजोइड्स आएगा वो आर्कीगोनियम के आटा कांटेक्ट में आके एक को जाकर फर्टिलाइज करेगा फिर वहां पे जाइकोट बनेगा अगेन जाइकोट थोड़ी देर के बाद वहां पे वो वैसे ही रहेगा उसमें आ, मियोसिस नहीं होगा तो वहां पे माइटोसिस होगा जिसकी वजह से एक प्लांट बॉडी बन जाएगा मल्टी सिलर प्लांट बॉडी बन जाएगा जिसको हम स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट बोलते हैं वो अब डिफरेंशिएट होगा सेट एंड कैप्सूल को यहां पे आप देख सकते हैं मैं इस स्लाइड को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये है आपकी एंथरीडियम जहां पे एंथेजोयर्स फॉर्मेशन हुआ और ये एंथेजोयर्स थ्रू वाटर करेंट आ गया आर्किगोनियम के कंटेक्ट में आया अंदर गया अंदर एक को फर्टिलाइज किया वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ फिर जाइगोट में Uh, फिर uh, ये कन्वर्ट हो गया एक मल्टीसुलर प्लांट बॉडी को जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट ये कैप्सूल में आप मियोसिस होगा और मियोसिस से ये तो टोटल स्पोरोफाइट है स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा ठीक है एगेन जब स्पोर जर्मिनेट होगा एगेन फिर गैमेटोफाइट बन जाएगा ठीक है वेरी सिंपल है नेक्स्ट मॉसेस ये जो लाइफ साइकिल के ऐसे ही सिमिलर ही रहेगा ब्रायोफाइट्स के लिवर में भी एंड मॉसेस में भी ठीक है तो मॉसेस में जो प्रीडोमिनेंट साइकिल लाइफ साइकिल है वो है गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट्स में ये गैमेटोफाइट ही प्रीडोमिनेंट स्टेज है ठीक है यहाँ पे जो फर्स्ट uh, स्टेज है वो है प्रोटोनेमा स्टेज ओके वो है प्रोटोनेमा स्टेज अगर इसमें इस स्लाइड को देखोगे यहाँ पे जो रो ऐसे फिलामेंटस टाइप का है ये है आपके प्रोटोनेमा स्टेज ओके आ, तो प्रोटोनेमा स्टेज है जो कि डायरेक्टली आपकी स्पोर से डेवलप होता है इसको मतलब याद रखो आराम से यहाँ पे एक आ, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मोसेस में दो स्टेज क्या-क्या है एक एक प्रोटोनेमा स्टेज सेकंड इज द लीफी स्टेज सो प्रोटोनेमा स्टेज कहाँ से डेवलप होता है ओके okay. वो डायरेक्टली स्पोर से ही डेवलप होता है तो सेकंड है हमारी लीफी स्टेज लीफी स्टेज कहां से मतलब डेवलप होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लैटरल बड अगर हम प्रीवियस स्लाइड को जाएंगे सो कुछ ये हमारी वो प्राइमरी प्रोटोनेमा तो यहाँ पे एक लेटेरल बॉर्ड लेटर मीन साइड में एक बॉर्ड निकलेगा ओके उसी लेटेरल जो को हम सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलते हैं वहीं से वो लिफी स्टेज स्टार्ट होगा ठीक है तो यहाँ पे उनका जो लिफी स्टेज जो बन जाएगा वो किस तरीके के रहेंगे ऑपराइट रहेंगे सिलेंडर एक्सेस रहेंगे वहाँ पे जो लीफ रहेगा वो स्पायरली अरेन्ज रहेगा वो सॉइल के थ्रू अटैच रहेंगे किस चीज के थ्रू थ्रू ओके इसी स्टेज में इस स्टेज में में ये अभी जो है सेक्स ऑर्गन करते हैं ओके तो में हमें क्या याद रखना है कि दो स्टेज रहता है वो है प्रोटोनेमा स्टेज एंड लिफिस स्टेज और इनकी जो मॉसिस की बॉडी रहता है वो गैमेटोफाइटिक रहता है और उनकी लाइफ साइकिल में जो प्रीडोम स्टेज है वो गैमेटोफाइट है और इनकी बॉडी हेप्लोइड ही रहता है ये प्रोटोनेमा स्टेज जो है वो डिरेक्टली डेवलप होता है स्पोर से जो लिपी स्टेज होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से इज इलेक्ट्रल बॉड प्रोड्यूस होता है ठीक है ये है आपकी एग्जाम्पल ठीक है मोसेस की यह है आपकी अः फ्यूनरिया की एग्जाम्पल या स्पेगन की एग्जाम्पल है स्पैगन के बारे में हम अभी पढ़े थे कि इसको एल पी टी के थ्रू यूज किया जाता है ट्रांसिटमेंट में भी यूज किया जाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो ये है आपकी वही एग्जाम्पल ये देखिए अभी जो हम बोले कि इसके स्लेंडर वर्डी रहेगा वो थ्रू सॉयल में राइजोइड्स के थ्रू अटैच रहेगा ये है ये है इसकी मेन एक्सिस यहाँ पे जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है ये हो गया ओके तो ये हो गया हमारी मॉसेस के बारे में इनकी रिप्रोडक्शन वही रिप्रोडक्शन थ्रू होगा रिप्रोडक्शन होगा थ्रू गैमेट्स फॉर्मेशन होगा जैसे कि सेक्स ऑर्गन है एंथीडिया मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया ये हो गया तो ये जो ऑर्गन कहाँ पे फॉर्म हो गए वो लीव में फॉर्मेशन हो ओके लिपिशोड में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइकोड बनेगा तो जाइकोड किस में कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा अगेन स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएट होगा स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होगा हमारे फूड सेट एंड कैप्सूल हम प्रीवियस स्लाइड में भी ये से, ये सब चीजें ये जो लाइफ साइकिल है इसको हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से तो यहाँ पे वही सेम चीज ही होगा ठीक है तो अभी जो कैप्सूल है वहां पे स्पोर है तो स्पोर में अगेन स्पोरोफाइट uh, में uh, क्या होगा मियोसिस होगा तो स्पोर फॉर्मेशन होगा तो स्पोर फॉर्मेशन हो गया तो फिर अब जो स्पोर फिर अगेन अगेन होगा तो फिर, फिर वो प्लांट हाप्रोए फॉर्मेशन करेगा इसका एग्जाम्पल है stagnum, जो यहाँ पे मैं ऑलरेडी दिखा चुकी ठीक है अगर ये है वही पूरा लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की अगर थोड़ी सी हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये है सपोज जॉर्मिनेटिंग स्पोर पहले इस से आएंगे हाँ। तो ये थोड़ा सा निकला है तो इसको हम प्राई ये ये देखो है हमारी ओके।, ओके देन इसकी थोड़ी डेवलपमेंट होगा जैसे लेटरल बॉड कुछ फॉर्मेशन होगा तो ये लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो गैमेटोफाइट ही है क्योंकि ये हाप्लोयड है ओके तो यहाँ पर से ये देखो यहाँ पर से अभी क्या होगा एक ग्रो हो जाएगा ये लीफी स्टेज होके अभी हम पढ़े थे कि लीफी जो कि लीफ की जो लीफी स्टेज होता है लीफ की एपेक्स में यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन रहता है आपके आंथ्रीडियम और आर्किगोनियम तो ये अगर आंथ्रीडियम सपोज किस लीफ में ये अगर आंथ्रीडियम हो गया तो यहाँ से ये आ, स्पोर फॉर्मेशन करेगा ओके और इनको तो मतलब चाहिए ही चाहिए वाटर बॉडीज अगर वाटर वाटर के थ्रू ये प्रोडक्शन होता है तो ये जो एंथ्रीडियम्स आंथ्र, जो एंथ्रीजॉयड्स बने अगर यहाँ पे है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो आर्किगोनियम तो थ्रू वाटर मीडियम अगर ये एंथ्रीजॉयड्स अगर इसके कॉन्टेक्ट में आ गए तो ये अंदर चले जाएंगे एक को फर्टिलाइज करेंगे अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा आपकी जाइगोट फॉर्मेशन होगा ठीक है अब जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया अब इसको आ, क्या बोलेंगे हम अब आ, इसमें मतलब आ, ये एक मल्टी प्लांट बॉडी बनाता है जैसे हम पहले ही डिस्कस किए थे तो इसको अब हम बोलेंगे स्पोरोफाइट ओके ये हो गया आपकी स्पोरोफाइट तो ये स्पोरोफाइट हम पहले ही पढ़े हैं कि ये डिफरेंस इन टू सेट एंड कैप्सूल तो ये है टोटल प्लांट बॉडी प्लांट बॉडी के यहाँ पे ये सारे फंक्शन हो रहा है तो यहीं पे ही अगेन ये जो है फूड सेट एंड कैप्सूल बनेगा ठीक है इसको हम फूड बोलेंगे सेट और कैप्सूल ओके एगेन ये जो कैप्सूल है यहाँ पे अब मियोसिस होगा म्यूसिस होके यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा ये जब डाइसेक्ट होंगे तो अगेन यहाँ से फिर स्पोर के जाके जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने पे एगेन वो गोफाइट प्लांट बॉडी ही बनाएगा ठीक है तो ये था हमारी टोटल ब्रायोफाइट के ऊपर आज का क्लास थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब